एवरीवन, कैसे भाई? आपके सब अच्छे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही ग्रीन पौधे के बारे में, जो ग्रीनरी आपके गार्डन बिखेरता रहता है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। तो ये है सिंगोनियम का पौधा। सिंगोनियम की वैसे तो बहुत सारी वैरायटी हैं, लेकिन ये आम वैरायटी है जो हर किसी के घर में मिल जाती है। ये इसीलिए है क्योंकि ये बहुत आसानी से चल जाती है हमारे घर में और किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होती है। तो करना क्या है, आप नर्सरी से भी ला सकते हो और दूसरा आप इसे कटिंग से भी रेडी कर सकते हो। तो कहीं आसपास भी आपको दिखती है कटिंग, तो आप इसकी कटिंग ले आएँ और अपने गार्डन में लगा दें, तो ये बहुत अच्छे से चल जाती है। बात करते हैं इसकी मिट्टी के बारे में। तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी इसकी आप ऐसी बनाएं, 80% मिट्टी ले लें, 20% इसमें कोई सी भी खाद मिला दें, लीव कंपोस्ट हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गई, गोबर की खाद हो गई, जो भी हो आप उसमें इस तरीके से इसे लगा दें और ये आराम से चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं करता है। और ये काफ़ी सुंदर पौधा है, काफ़ी धूप में चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं करता है। इस तरीके से ये आप एक, जैसे मैंने लगा रखा है, पूरी लाइन बना रखी है, मैंने कटिंग से रेडी करे हुए हैं, इस तरीके से आप भी बना सकते हो और देखने में बहुत सुंदर लगता है। धूप जितनी मर्जी आए पर इसको कोई नुकसान नहीं कर पाती है, आप देख पा रहे होंगे, बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये मिट्टी की बात हो गई, पानी इसको डेली आप डालते रहें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, पानी अच्छा लगता है इसको। और वैसे ज़रूरत हो तब डालें तो अच्छी बात है, नहीं तो डेली भी डालेंगे तो कोई इसको दिक्कत आने वाली है नहीं। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल, इसमें कोई भी खाद ना करें तब भी ये चलता रहेगा। लेकिन क्या होता है, सर्दियाँ आती तो हल्का सा ये पीलापन आ जाता है इस पौधे में, ठंड थोड़ा सा इसके जो होते हैं ना, थोड़े से पीला लग जाता है, तो रोकता है, बहुत देता है, लेकिन चलता है। इस तरीके से मनी प्लांट जैसा भी इसे लंबा करके बना सकते हैं, कोई सहारा या मोज़े लगाएं तो उस पर भी तो बहुत सुंदर लगने में। आप इस तरीके से इस करते रहे गोल गोल करके और ये चढ़ता जाएगा इस तरीके से, काफ़ी लंबा हो जाता है। तो फिलहाल मैंने इनको कट कर दिया था और कटिंग लगाने के चक्कर में, तो बहुत सारे लगा रखे हैं हमने, तो मैं ये ख़रीदा नहीं था, मैंने कटिंग से रेडी करा था। तो आप देख ही पा रहे हो कटिंग कितना अच्छा कमाल करती है, आपके गार्डन को हमेशा हरा भरा बनाए रखती है। आप लगा सकते हैं इसमें फरवरी में, जब आप इसको दोबारा से, जैसे कि ज़्यादा लंबी हो जाता है तो इसको थोड़ा सा कट कर दें आप, तो हल्की सी मिट्टी में गुड़ाई करें और थोड़ी सी खाद डाल दें, उस टाइम एक मुट्ठी बहुत है इसके लिए, और कोई खाद की इसके रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी प्रकार की खाद आपको डालने की ज़रूरत नहीं। पूरे साल ये पानी और मिट्टी के सहारे चलता रहता है। इस तरीके से इसके पुराने पत्ते हो जाएं, जैसे कि धूप तेज़ हो रही है अभी तो ऐसे हो जाते हैं, तो इनको हटा दिया करें, इससे कोई खास दिक्कत आने वाली नहीं है। इस तरीके का अगर आपको मेरे जैसा रखना है तो यहाँ से क्या करें, यहाँ से इसे कट कर दें और किसी दूसरे गमले में लगा दें, तो इसकी ये कटिंग बहुत सारी तैयार हो जाएंगी और आपके पास पौधे भी बहुत सारे हो जाएंगे। तो इस तरीके से अब इसमें और भी वैरायटी कलर आते हैं, एक पिंक सा आता है, कुछ छोटे पत्ते होते हैं उसके, एक ग्रीन में भी आता है जिसके छोटे पत्ते होते हैं, तो आप वो भी ला के लगा सकते हो। मेरे पास अभी ये एक ही है, आगे मैं भविष्य में लाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो बात करते हैं बीमारी की, बीमारी इसमें कुछ आती नहीं है, किसी प्रकार कोई बीमारी नहीं आती, ये बहुत अच्छे से चलता रहता, सालों साल रहेगा आपके पास, कहीं जाने वाला नहीं है। बस सर्दियों में क्या होता है, थोड़े से पत्ते पीले हो जाते तो पत्ते गिर भी जाते हैं कई बार, लेकिन जैसे जैसे फरवरी आएगी वैसे ही ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा और आपको कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप ये ना समझें कि आपको पौधा मर गया है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये दोबारा से नई ग्रोथ, कहीं पर भी इसकी छोटी सी कटिंग गिर जाएगी ना, ये एरिया अगर आपको मैं दिखाऊं, इस तरीके से ये अपने रूट्स डेवलप करता रहता है, अगर ये वाला एरिया कहीं भी टूट के गिर जाएगा तो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे, ये यहीं से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता, हर नोड पर इसका ये रूट्स निकलता रहता है इस तरीके से। तो ये इस तरीके से घुमा के आप लगा देंगे तो 4-5 जगह से ग्रोथ लेगा और घना पौधा बन जाएगा। तो इस तरीके से इसको लगा सकते हैं आप, देखने में बहुत प्यारा लगता है और जिन्हें ग्रीनरी पसंद है वो इनको लगा सकते हैं। तो ये कैसे लगा सकते हैं, गमले में लंबा भी आकार दे सकते हैं आप और बाकी हैज टाइप में भी दे सकते हैं, लंबी लंबी लाइन, किसी पौधे को अगर डेकोरेट करना हो तो उसके आसपास भी इसे रख देंगे तो ये चलता रहेगा। बस कुछ नहीं करना है, एक कटिंग लेनी है आपको और गमले में लगा देनी है, किसी स्प्रे की ज़रूरत इसमें नहीं पड़नी है, आप कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करना, इसमें फ्री का पौधा है जो बिना खाद और दवाइयों के चलने वाला पौधा है, किसी तरीके की कोई खाद नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए इसको और ये चलता रहेगा सालों साल, देखने में बहुत प्यारा है।
अगर आप कुछ नहीं लगाना चाहते हैं, जैसे आपके पास समय नहीं है, तो इस तरीके का पौधा आप लगा सकते हैं, जो देखने में आपको बहुत प्यारा लगेगा। और क्या कहते हैं, हरियाली भी आपकी छत पे मेंटेन करके रखेगा। तो अगर समय नहीं है तो इस वाले पौधे का ज़रूर अपने छत पे लगाएं। देखने में देख रहे होंगे आप, बहुत प्यारा लगता है। इसके जब नए नए पत्ते आते हैं तो वो थोड़े से लाइट ग्रीन होते हैं, जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हल्के से भूरे रंग के हो जाते हैं। तो देखने में वेरिएशन बहुत प्यारा लगने वाला है इनका। आप अपनी छत पे लगाएंगे तो बहुत प्यारा लगेगा आपको, क्योंकि आपको लगेगा अरे बिना मेहनत के इतनी अच्छी ग्रीनरी मिल रही है हमको। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो लगाएं ज़रूर। तो ये थी सिंगोनियम के बारे में जानकारी। तो मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए और खूब सारे पौधे लगाते रहिए। बाय बाय।